एक बार की बात है, सीलमपुर गांव में महेश और उनकी पत्नी शारदा रहा करते थे। उनका एक बेटा भी था, उसका नाम अरविंद था। वो सभी खुशी से अपना जीवन बिताए करते थे। अरे कितना बड़ा हो गया है हमारा बच्चा, मैंने सुना तू बहुत होशियार हो गया है। हाँ, मैं हमेशा फर्स्ट आता हूँ। अरविंद, तुम आगे की पढ़ाई बुआ के साथ रहकर करोगे, शहर के अच्छे विद्यालय में जाओगे। क्या मैं ब्राउनी को भी लेकर जा सकता हूँ? नहीं बेटा, अगर ब्राउनी भी वहाँ गया तो तुम ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाओगे, इसीलिए वो यहीं रहेगा और तुम छुट्टियों में उससे मिलने आ जाना, तब तुम्हें दिन भर खेलने से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है? आज से अरविंद हमारे साथ ही रहेगा, उसे अपने कमरे में ले जाओ। कुछ दिनों बाद अरविंद का एडमिशन कार्तिक के स्कूल में हो गया। दोनों बच्चे मन लगाकर पढ़ने लगे। इसी तरह कई साल बीत गए। एक दिन, अजीत सुनो ना, कितना समय हो गया है अपने बेटे से मिले हुए, आप उससे कहो ना वो यहाँ आए हमसे मिलने। ठीक है, रुको, उसे कॉल करता हूँ। हेलो। जी हाँ पिताजी। कैसा है तू? सुन, तेरी माँ चाहती है कि तू उनसे मिलने यहाँ आ जाए। ठीक है पिताजी, मैं आज ही कंपनी में छुट्टी के लिए बात करता हूँ। ठीक है। कुछ दिनों बाद अरविंद बिना बताए शाम को घर पहुँच गया। माँ। अरविंद, तू यहाँ, तूने बताया भी नहीं कि तू आ रहा है। कितना बड़ा हो गया है मेरा बेटा। तूने आने से पहले बताया नहीं, हम तुझे लेने ही आ जाते। अगर बता देता तो आप सभी को सरप्राइज कैसे करता। कितना बड़ा हो गया है मेरा बेटा, हाथ मुंह धोले, मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ। तभी अचानक उनके घर के बाहर से एक बछड़ा जंगल की ओर जा रहा होता है। लगता है यहाँ पर जंगली जानवरों का ज्यादा ही आतंक फैला हुआ है, तभी तो लोग कितना डर रहे हैं जंगल जाने से। पर जब मैं आया था तो उस तरफ तो कोई जंगल ही नहीं था, तो फिर वो किस जंगल की बात कर रहे हैं? नहीं बेटा, वो सब जानवरों की वजह से नहीं डर रहा है, बल्कि उस भूतिया जंगल की वजह से डर है। वहाँ एक राक्षस रहता है। जंगल सुबह गायब हो जाता है और शाम होते ही वापस अपनी जगह पर आ जाता है। माँ, ऐसा भी कभी होता है क्या, एक जंगल ही अपनी जगह से गायब हो जाए? अच्छा ये बताओ, ब्राउनी कहाँ है, कब से नहीं दिख रहा? बेटा वो जंगल में चला गया था, हमने उसे बहुत ढूंढा, वो नहीं आया और उसका इंतजार भी किया। क्या, आप सभी ने मुझे क्यों नहीं बताया? हम नहीं चाहते थे कि तेरी पढ़ाई पर इन सब का असर पड़े, इसलिए हमने तुझसे बात छुपाई। इसके बाद अरविंद सोचने लगता है, उसके दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे थे। अगले दिन अरविंद अपने पुराने दोस्तों से मिलने चला जाता है। अरे अरविंद, तू कैसा है मेरा दोस्त, लगता है तू तो भूल ही गया था कि तेरा एक गांव भी है। नहीं यार, बस पहले पढ़ाई और अब ये जॉब, ये सब छोड़ो, रवि और मनु कहाँ हैं? अरे चल, मैं भी उनके पास ही जा रहा था, दोनों साथ में चलते हैं। जरा देखो तो कौन आया है। अरविंद, तू देखो भाई आज कौन आया है, बड़ा अच्छा लगा यार तुझे इतने दिनों बाद देख कर। हाँ यार, बहुत टाइम हो गया था तुम सबसे मिले हुए। अच्छा भाइयों, ये बताओ इस सब लोग जंगल से इतना क्यों डरते हैं? अरे भाई क्या बताऊं, तेरे जाने के बाद इस गांव में एक बाबा आया था, वो जंगल में तपस्या कर रहा था। कई सालों तक तपस्या करने के बाद उसके ऊपर मिट्टी की परत जम गई और इस गांव के कुछ आदमियों ने नशे में उस बाबा के ऊपर लाठी मार दी और उस लाठी के मारने की वजह से बाबा की तपस्या भंग हो गई और बाबा को चोट भी आ गई। तब उस बाबा ने इस जंगल को और इस गांव के लोगों को श्राप दे दिया कि अगर इस गांव का कोई भी इंसान उस जंगल की तरफ जाएगा तो वो कभी भी वापस नहीं आएगा। वो जो लोग वहां गए वो आज तक वापस नहीं आए,
और उसके बाद जितने भी लोग जाने अनजाने से गए वो भी कभी वापस नहीं आए। श्राप कभी खत्म नहीं होगा ना। इसके बाद रवि अरविंद को श्राप कैसे टूटेगा वो बताता है। चलो दोस्तों मैं घर जाता हूँ, माँ भी इंतजार कर रही होंगी। इसके बाद अरविंद वहाँ से चला जाता है और घर जाते वक्त वो गांव के उसी रास्ते पर जाता है जहाँ से जंगल शुरू होता है, लेकिन उसे जंगल दिखाई नहीं देता, इसलिए वो घर लौट जाता है और रात होने का इंतजार करता है। रात होते ही वो बिना किसी को बताए जंगल की तरफ चल पड़ता है। वो जैसे ही जंगल के पास पहुँचता है, ये क्या, दिन में तो यहाँ कोई जंगल नहीं था, अचानक कितना बड़ा जंगल कैसे आ गया। देखो तो कौन आया है, तू यहाँ क्यों आया है, बोल बोल बोल। पिछली बार तूने पूछा था ना, इस बार मैं पूछूंगा। नहीं मैं पूछूंगा, नहीं मैं। दोनों लड़ने लग जाते हैं। उन दोनों को लड़ता देख अरविंद चुपचाप आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता है भूत बोलते हैं, कहाँ जा रहा है तू, बचना चाहता है, अब हम तुझे भी गायब कर देंगे। और तुझे जिंदगी भर हमारी सेवा करनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ आए बाकी सब हमारी सेवा कर रहे हैं। अरविंद डर जाता है। अरविंद अचानक बोला, तुम्हें मुझे ले जाने से पहले मेरे मालिक से पूछना पड़ेगा, समझे, वरना मेरे मालिक तुम सब की चटनी बनाकर रोटी के साथ खा जाएंगे। कहाँ है तुम्हारा मालिक? मेरे मालिक तुम जैसे छोटे मोटे भूतों से मिलने नहीं आते, लेकिन मैं तुम्हारी उनसे बात करवा सकता हूँ। करवाओ, हम भी तो देखें कौन है तुम्हारा मालिक। अरविंद अपने फोन में एक ऐप खोलता है और उसमें कुछ टाइप करता है और उस फोन से आवाज आती है, क्यों याद किया है मुझे मालिक? ये दो छोटे भूत मुझे अपनी सेवा करने के लिए ले जा रहे हैं, मैंने तो कह दिया है कि मैं बस आपका सेवक हूँ। तो कहते हैं कौन है तेरा मालिक, तो मैंने आपसे इनकी बात करवाने की सोची। सुनो, अगर मेरे सेवक को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें पुलाव बना कर खा जाऊंगा। उसके बाद फोन से बिजली गरजने और डरावनी आवाज आने लग गई। दोनों भूत आपस में बातें करने लगे। सुन, लगता है ये हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली है, कहीं ऐसा ना हो इस आदमी के चक्कर में हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़े। दोनों गायब हो गए। इसके बाद अरविंद उस पेड़ के पास गए और बोला, हमें माफ कर दो बाबा, आपके साथ उन लोगों ने जो कुछ भी किया उसकी सजा आप बाकी सभी भोले भाले गांव वालों को मत दो, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। अचानक बाबा आ गए। मुझ तक पहुँचना बहुत मुश्किल था, लेकिन तूने अपनी चिंता ना करते हुए अपने गांव वालों के बारे में सोचा, जा किया तेरे गांव को श्राप से मुक्त, आज के बाद ये जंगल कभी अपनी जगह से गायब नहीं होगा। इसके बाद गांव के सभी लोग वापस आ गए। अरविंद उन सबको लेकर गांव की तरफ जा ही रहा होता है, तभी गांव के सभी लोग मशाले लेकर जंगल के बाहर खड़े होते हैं और, माँ तू ही बता, अगर मैं नहीं जाता तो ये सब ठीक कैसे होता, कभी ना कभी किसी ना किसी को तो ये सब खत्म करना ही था ना, तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरे बेटे ने ये सब खत्म कर दिया। हाँ बेटा मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन बेटा ये सब तूने कैसे किया? ज्यादा कुछ नहीं, मैंने अपनी कंपनी के लिए एक ऐप बनाया था जिसमें हम कुछ भी टाइप करें तो वो टाइप की गई चीजें अपने आप आवाज में बदल जाती हैं। हम किसी भी इंसान की आवाज निकाल सकते हैं उससे, या फिर भूतों की डरावनी या प्यारी सी या फिर बच्चों जैसी आवाज। मैंने सोचा क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए, तो बस उन भूतों को डराया और वो भूत भाग गए। उसके बाद मुझे
जैसा कि रवि ने बताया था, जंगल में जाकर उस पेड़ के पास बाबा से माफी मांगनी थी, लेकिन बाबा तक पहुंचना इतना मुश्किल था कि आज तक कोई वहां तक पहुंच नहीं पाया। लेकिन वो बहुत अच्छे थे, मैंने उनसे माफी मांगी और उन्होंने हम सब को माफ कर दिया। तुम्हारी वजह से बेटा हमारा गांव इस भयानक श्राप से मुक्त हो गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, ना जाने कब हमें लेने के देने पड़ जाएं।